वेल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे लेक्चर नंबर 14, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई विल डिस्कस विद यू मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑलरेडी आई टॉट यू इलेक्ट्रोलिसिस एज वेल एज फ्यू एग्जांपल्स, बट टुडे वी हैव टू डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैकेनिज्म मीन्स क्रियाविद, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है यह आपको समझना है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या तो मोल्टेन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में होता है तो वह कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस फॉर्म में उसमें फ्री आयंस पाए जाते हैं एंड दैट फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मूव टुवार्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब अगर वह आयंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मूव करेगा निगेटिव पोल की ओर, निगेटिव मीन्स कैथोड की ओर। अगर वह निगेटिव है तो वह एनोड की ओर मूव करेगा और वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। क्लियर? जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो आयन। अब यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट दो कंडीशन में यह कंडक्टर की तरह काम करेगा। पहला मोल्टेन स्टेट में हो और सेकेंड जो है एक्वस फॉर्म में हो, एक्वस फॉर्म, क्योंकि इन दोनों केसेज में फ्री आयंस पाया जाएगा और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो दैट आयंस मूव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोड्स। वो भी कौन सा इलेक्ट्रोड, अपोजिट इलेक्ट्रोड। अपोजिट का मतलब अगर वो आयंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मूव्स टुवार्ड्स कैथोड एंड निगेटिव मूव टुवार्ड एनोड। यदि इफ केटायंस इज देयर तो दैट केटायन मूव्स ऑन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मीन्स एनोड, सॉरी केटायन है ना, ऑन कैथोड। एंड सो द रिडक्शन, क्या शो करेगा बच्चों, रिडक्शन। सिमिलरली द एनायंस मूव टुवार्ड्स एनोड पर मूव करेगा एंड सो द ऑक्सीडेशन। तो एनायन जो होगा वह एनोड की ओर मूव करेगा और केटायन जो होगा वह कैथोड की ओर मूव करेगा। जब केटायन कैथोड की ओर मूव करेगा तो कैथोड पर रिडक्शन होता है, मीन्स केटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक न्यूट्रल स्पीसीज बनाएगा। और उसी तरह अगर एनायन होगा तो एनायन मूव करेगा एनोड की ओर, क्योंकि एनायन पर माइनस चार्ज है, यह माइनस प्लस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा। प्लस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, एनोड, और वहां जाएगा और वहां पर वह इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वह ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब यहाँ दो तरह के चेंजिंग होता है, एक जो होता है प्राइमरी चेंजिंग होता है और एक जो होता है सेकेंडरी चेंजिंग। तो प्राइमरी चेंजिंग इस प्रोसेस में क्या होगा, प्राइमरी चेंजिंग जब आयन इलेक्ट्रोड की ओर जब मूव करता है तो वह या तो ऑक्सीडेशन शो करेगा या रिडक्शन, और इस प्रोसेस में वह न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे तो और क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें, चलिए देखिए कैसे। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस टू चेंजेज आर ऑकर, फर्स्ट वन प्राइमरी चेंज और सेकेंड वन सेकेंडरी चेंज। तो प्राइमरी चेंज क्या होता है, प्राइमरी चेंज का मतलब द कन्वर्जन ऑफ आयंस इंटू न्यूट्रल स्पीसीज
इज कॉल्ड प्राइमरी चेंजेज, प्राइमरी चेंज। समझ गए बच्चों? जैसे मान लीजिए हमारे पास H प्लस है, हाइड्रोजन प्लस, आगे भी आप और पढ़ेंगे, तो यह H प्लस किधर की ओर मूव करेगा? कैथोड की ओर, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और जब जैसे कैथोड पर जाएगा, तो कैथोड पर जब ये प्रोसेस होगा, तो कैथोड पर प्रोसेस क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक एच प्लस आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करके न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बनाएगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनाता है, फ्री रेडिकल इसका नाम है, यह बनाएगा। अब यह आपका प्रोसेस जो होगा प्राइमरी चेंज होगा, क्योंकि प्राइमरी चेंज का मतलब द कन्वर्जन ऑफ आयन इनटू न्यूट्रल स्पीसीज। अब न्यूट्रल स्पीसीज में भी वो इलेक्ट्रॉन गेन करके करे, में भी वो इलेक्ट्रॉन दे कर करे, समझ गए बच्चों? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइमरी चेंज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राइमरी चेंज। और एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। अब ये क्या होता है? तो हम इसको कह सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज इनटू फाइनल प्रोडक्ट, यानी यह स्पीसीज फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यह फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो जनरली हम लिख सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज आर इंटरमीडिएट स्पीसीज, इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट स्पीसीज इंटू फाइनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोसेस। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस बोलते हैं। अब देखें, अब H यानी हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल एटम्स है। अब यह न्यूट्रल फ्री रेडिकल क्या करेगा? इस तरह के बहुत सारे एटम, ऐसे बहुत सारे होगा, आपस में मिलकर और हाइड्रोजन H2 बना लेगा। कैसे? यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो इस तरह आपके इस पूरे प्रोसेस में यह आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, लेकिन H2 इज द फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस चेंजिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंजेज, और दिस चेंजिंग इज कॉल्ड प्राइमरी चेंजेज। सो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यह दो चेंजेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस में कोई आयन डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाता, फाइनल प्रोडक्ट नहीं कन्वर्ट होता है, वह पहले न्यूट्रल स्पीसीज बनाएगा, उसके बाद से वह फाइनल प्रोडक्ट वह देगा। इस तरह यह मैकेनिज्म आपका इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, और सुने, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का मैकेनिज्म अगर बात करती है, एक कंटेनर में होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल। उस सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड होता है। क्लियर? कैथोड एनोड इलेक्ट्रोड में भी वो मेटल का बना हो, में भी नॉन मेटल जैसे ग्रेफाइट। अब जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टेन स्टेट में, तो वहाँ उसके आयन स्प्लिट हो जाएगा, और वह आयन स्प्लिट होकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो करेगा। अब केटायन होगा, तो केटायन आपका माइनस की ओर जाएगा, माइनस प्लेट मीन्स कैथोड पर जाएगा, तो वहाँ रिडक्शन शो करेगा। और एनायन जो होगा वो आपका एनायन जो होगा वो एनोड की ओर जाएगा और ऑक्सीडेशन शो करेगा। और यहाँ पर दो चेंजिंग होगा, एक प्राइमरी चेंजेज और एक आपका सेकेंडरी चेंजेज। प्राइमरी चेंजेज में वो आपका न्यूट्रल स्पीसीज बनाएगा, और सेकेंडरी चेंजेज में वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर? तो यह आपका मैकेनिज्म है। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताऊंगा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, नाउ वन एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू टेल रिलेटेड टू दिस वन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। तो सबसे पहले एसिडुलेटेड वाटर मीन्स क्या होता है? एसिडुलेटेड मीन्स उस वाटर में एसिड मिला होगा,
डायल्यूट H2SO4 हो सकता है, मेनली H2SO4 ज्यादा यूज करते हैं। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि वाटर इज अ वीकली आयोनाइज सबस्टेंस, वाटर बहुत कम आयोनाइजेशन होता है, और जब कम आयोनाइजेशन होगा तो इसका जो सॉल्यूट, इसका जो लिक्विड लिया जाएगा, ये ज्यादा कंडक्टर की तरह बिहेव, मतलब गुड कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत उसमें डायल्यूट H2SO4 मिला देते हैं या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिला देते हैं तो उसका आयोनाइजेशन वैल्यू बढ़ जाता है, और जिससे एसिडुलेटेड वाटर में तीन तरह के आयन बनते हैं। जैसे कौन कौन से आयन बनेगा ये आपको समझना है। तो याद रखेंगे जो वाटर होगा, वाटर इज अ वीकली कंडक्टर या वीकली आयोनाइज्ड। सो इट बिहेव लाइक ए पुअर कंडक्टर, किसके जैसा? पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। When H2SO4 is added in water, the conductivity of water will be increased due to more ionization of water and H2SO4. तो देखिए कैसे होगा। अब वाटर में, अगर हम वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे H2SO4, तो आफ्टर एडिंग द सल्फ्यूरिक एसिड इट विल गिव द 3 kinds ऑफ आयन। अब कैसे? हाइड्रोजन AbH+ देगा और इसका भी H+, यानी टोटल H+ कितना? देखिए आपका टोटल H+ हो जाएगा, एक H2O तो H+ देगा और OH आयन, चलो मैं एक एक करके सेपरेटली बता रहा हूँ, H+ आयन एंड OH आयन, और H2SO4 ये आपका देगा 2H+ आयन और सल्फेट आयन। अब इस टोटल को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर आपका देखिए क्या फॉर्म्ड होगा, H2O + H2SO4 गिव्स आपका 3H+ आयन और प्लस OH आयन और प्लस सल्फेट आयन। तो लुक हियर, आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ एसिडुलेटेड वाटर इट विल गिव द 3 kinds ऑफ आयन, हाइड्रोजन भी देगा, OH भी देगा और सल्फेट भी देगा। अब यहाँ हाइड्रोजन तो प्लस एक ही है, तो प्लस एक है तो यह कहाँ पर मूव करेगा? कैथोड पर। और कैथोड पर हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस में। लेकिन यहाँ पर दो आयन है, OH आयन भी है और सल्फेट आयन भी है, तो इसमें कौन सा आयन, इन दोनों आयनों में कौन सा आयन एनोड को मूव करेगा, यह डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पर। किस पर डिपेंड करेगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल पर। किस पर? डिस्चार्ज पोटेंशियल, जो आपको मैं बता चुका हूँ, डिस्चार्ज पोटेंशियल। अगर हम बात करें OH और सल्फेट आयन में, तो OH एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आपको याद करिए प्रीवियस वीडियो में आपको हम फैक्टर इफेक्टिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल बताए थे। पहला फैक्टर था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर। अगर मेटल है तो मेटल में क्या होता है, मेटल में नीचे जाने पर वह इजली कलेक्टेड होगा या डिपोजिट होगा इलेक्ट्रोड पर। लेकिन एनायनों में अपोजिट था, जो ऊपर होगा, जो आयन ऊपर होगा वह मोस्ट इजिली डिस्चार्ज होगा। तो इन दोनों में ऊपर कौन होता है? OH आयन। OH आयन का प्लेस सल्फेट आयन से ज़्यादा ऊपर है, और जब OH आयन का पोजिशन सल्फेट आयन से ज़्यादा ऊपर होगा तो OH आयन इजिली डिस्चार्ज, इजिली डिपोजिटेड। दैट्स वाई OH आयन सो द ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर यह होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तो आप सिंपल समझ लें। एसिडुलेटेड वाटर में तीन तरह का आयन होगा, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। अब देखें, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर, अगर हम इसके एसिडुलेटेड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यह H+ आयन मूव टुवर्ड द कैथोड, क्योंकि इस पे H+ है। तो देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर, देन हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन मूव टुवर्ड
मूव टुवार्ड्स ऑन कैथोड, कैथोड पर मूव करेगा। और देखिए क्या होगा तब इसमें, अब यहाँ दो चेंजिंग होगा। अब इससे पहले आपको बता दें प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज। तो ये H प्लस आयन पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल स्पीसीज बनाएगा, और यह प्रोसेस कहाँ हो रहा है, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है, और यह प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। अब यह न्यूट्रल स्पीसीज, इस तरह बहुत सारे स्पीसीज होंगे जो आपस में मिलकर बना देगा हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस। ओवरऑल रिएक्शन कैथोड पर होगा। यह आपका प्राइमरी चेंज हो रहा है, प्राइमरी चेंज जिसमें इंटरमीडिएट बना, और ये आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी चेंज हो गया। ये आपका सेकेंडरी चेंज, ये आपका प्राइमरी चेंज। अब ओ एच आयन हैज मोस्ट, या ओ एच आयन कैन इजिली डिस्चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड बिकॉज द पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कह सकते हैं ऊपर एवब देन सल्फेट आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोक्साइड आयन का पोजीशन सल्फेट आयन से ऊपर होता है, और जो ऊपर होगा आयन का उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ड्यू टू दिस रीजन हाइड्रोक्साइड आयन हैज ग्रेटर डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वह इजिली क्या होगा बच्चों, वह इजिली डिपोजिट होगा, या इजिली वह डिस्चार्ज होगा, या इजिली वह इलेक्ट्रोड की ओर कलेक्टेड होगा। सो अब यहाँ ओ एच आयन माइनस है, माइनस किधर को मूव करेगा, प्लस की ओर, प्लस मीन्स एनोड की ओर, तो एनोड की ओर ट्रेवल कर रहा है। अब यह ओ एच आयन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा और एक न्यूट्रल स्पीसीज बनाएगा। तो अगर ओ एच आयन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो आपका बनेगा ओ एच डॉट, यानी ओ एच डॉट बनेगा। समझ आ रहा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ओ एच आपका बनेगा न्यूट्रल। अब यह ओ एच आयन, ये जो ओ एच जो बन रहा है, यह आपका ओ एच, अब यह आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद बनाएगा H2O और ऑक्सीजन गैस, H2O और ऑक्सीजन गैस। अब इसको बैलेंस थोड़ा कर लें, यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी किससे कर दें, 4 से, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इस तरह अगर यह आपका बनेगा H2O प्लस ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर यह न्यूट्रल स्पीसीज बना जिसे हम OH कहते हैं। इस तरह स्टूडेंट OH माइनस आयन OH में जा रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो यह प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकल रहा है। और ये जो चेंजिंग होगा वो कहलाएगा प्राइमरी चेंज या प्राइमरी चेंजेज, या प्राइमरी चेंज हो गया। अब यह 4 OH आपस में रिएक्ट करके H2O और ऑक्सीजन देगा, और ये कहलाएगा सेकेंडरी चेंज। इस तरह प्राइमरी चेंज के साथ साथ सेकेंडरी चेंज भी होता है। याद रखेंगे अगर कोई आयन एनोड इलेक्ट्रोड में से एनोड या कैथोड पर गया तो दोनों केसेज में प्राइमरी और सेकेंडरी चेंजेज होता है, जैसे आपको दिखाई दिया। इस तरह वाटर और ऑक्सीजन बना। अब इसे बैलेंस कर लें, 4 हाइड्रोजन, सो 2 2 4 ऑक्सीजन, 4 2 एंड 2 4। ओके, अब ओवरऑल रिएक्शन देखें, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल मीन्स इस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एसिडिलेटेड वाटर में ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन या सेल रिएक्शन। देखिए सबसे पहले आपका वाटर
टूट रहा था 4H2O, किसमें? आपका OH आयन में और H प्लस आयन में। यहाँ आपका मल्टीप्लाई फोर से यहाँ कर दे, फोर से यहाँ कर दे। अब ये H प्लस आयन, 4H प्लस आयन आपका किस में जा रहा था? H2 गैस में जा रहा था ना बच्चों, H2 गैस में। तो मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ये जा रहा था H2 गैस में, और इस प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यह प्रोसेस आपका कहाँ पर होगा? कैथोड पर। और कैथोड का मतलब रिडक्शन, क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। अब सेम OH आयन, 4OH आयन, इसमें आपका 4OH आयन जो कन्वर्ट हो रहा था H2O में और किस में? ऑक्सीजन में, 2H2O में और 2O2 में। इस प्रोसेस में आपका कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा था? एनोड पर। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कैसे 4 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो चले देखे मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। बताइए, ये सब न्यूट्रल है, भी न्यूट्रल है। अगर 4OH आयन को हम 4OH में कन्वर्ट किए तो बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन जो है, क्लियर? तो अब देखें, अब इसको ऐड करें, ऐड करने के बाद आपका 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, और देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 4OH आयन कैंसिल आउट। और देखिए आपका यहाँ 4H2 यहाँ 2H2, तो 4H2 लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, तो 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना H2O बचेगा? 2H2O बचेगा। और देखिए 4H प्लस है, 4H प्लस यहाँ है, यहाँ भी 4H कैंसिल हो गया, इक्वल अब बचेगा क्या? 2H2 और ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, दो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 2 ही बचा इस साइड में, अब प्लस आपका क्या बचेगा? O2। अब ये देखिए क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, देखें 2 2 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, इट मींस हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड होगा कहाँ पर? कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेंड होगा एनोड पर, क्लियर? तो इस तरह एसिडुलेटेड वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपका हाइड्रोजन कैथोड पर फॉर्म होगा और ऑक्सीजन एनोड पर, बाकी इनके बीच में और जो प्रोसेस जो मैकेनिज्म जो आपको मैं बताया, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।